हाय के सबको स्वागत है द न्यूटिकल चैनल पे। मेरा नाम है नीताशा सिंह और ये है हमारी एक और पॉपुलर लिस्ट टॉप 5 फोन्स जिनको आप ले सकते हैं 20 से 25,000 रुपए की रेंज में इस महीने। इस महीने की जो मेरी लिस्टें हैं ये थोड़ी सी लेट हो गई हैं। काफी सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे इस बारे में कि आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। एक्चुअल में मुझे कोरोना वायरस हो गया था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। अभी मैं वापस आई हूँ और अभी मैं ठीक हूँ थोड़ा, लेकिन वीकनेस काफी ज्यादा है तो थोड़ी देर लगती है, थोड़ा टाइम लग रहा है अभी वीडियोस बनाने में, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको आपके सारे फेवरेट वीडियोस मिलते रहें। इस महीने की जो हमारी बाकी के बजट की लिस्ट होगी, जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पोजीशन पे एक बेस्ट सेल्फी कैमरा डिवाइस इस बजट का, जो कि है हमारा वीवो का V19। इस डिवाइस के अंदर हमें मिलता है डुअल सेल्फी कैमरा 32+8 मेगापिक्सल का, जिसमें 32 वाला मेन है और 8 वाला है हमारा वाइड एंगल। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं हमारे कुछ सैंपल्स। आप देख सकते हैं आपको काफी सारे और भी डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं इसके सेल्फी कैमरा में, जिसमें आप अपनी बढ़िया पिक्स ले सकते हैं। वाइड एंगल के अंदर अपनी ग्रुप सेल्फी लेना और भी बढ़िया लगेगा। साथ ही अगर हम बैक कैमरा की बात करें तो हमें मिल जाता है 48+8+2+2 का क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें आपको वाइड एंगल भी मिलता है, मैक्रो लेंस भी मिलता है, बुके मोड भी मिलता है। और सैंपल्स आप देख सकते हैं आपके सामने हैं, आपके पिक्स जो है वो काफी बढ़िया आएंगी। इसके साथ अगर हम बात करें डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में तो हमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर। बजट के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोसेसर हमारा थोड़ा छोटा है। उसके साथ डिस्प्ले जो है हमारा वो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ। डिस्प्ले ब्राइट है, कलरफुल है और अगर आप नॉर्मली गेमिंग करते हैं तो उसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे डिवाइस की सारी टेस्टिंग मैंने करी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे टेस्टिंग चैनल्स पे। इसके अलावा आपको इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है और 33 W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि आपको वन डे का बैटरी बैकअप देता है। और फास्ट चार्जिंग भी हमारी डिवाइस की काफी बढ़िया है, फटाफट से डिवाइस आपका चार्ज हो जाता है। इसके साथ डिवाइस के अंदर हमें मिल जाती है प्रीमियम ग्लास बॉडी और ये जो हमें इसके अंदर मिरर लाइक लुक मिल रही है ये बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। मतलब हाथ में होल्ड करना में डिवाइस आपका काफी स्टाइलिश लुक देगा। और उसके साथ आपको इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि फटाफट से आपके डिवाइस को अनलॉक भी कर देता है। और काफी सारे डायनेमिक इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि आपका यूजर एक्सपीरियंस और बढ़िया हो जाता है। ये जो डिवाइस है हमारा, ये आपको 25,000 रुपए की प्राइस पे मिल जाएगा, इसका 8GB 128GB वाला वेरियंट। अब नेक्स्ट आता है नंबर 4th पोजीशन पे हमारे पास सैमसंग की तरफ से काफी बैलेंस्ड और कॉम्पैक्ट डिवाइस, जो कि ये है हमारा सैमसंग का A51। इस डिवाइस के अंदर आपको काफी सारी बढ़िया चीजें मिल जाती हैं। ओवरऑल एक बैलेंस डिवाइस है ये हमारा। और उसके साथ जो मुझे काफी बढ़िया चीज लगती है इस डिवाइस की, वो है हमारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फीचर। मतलब जो आपको डाटा सिक्योरिटी इस डिवाइस के अंदर मिलती है वो हमारी मिलिट्री ग्रेड की है, नॉक सिक्योरिटी, जो कि आपको चाइनीज फोन के अंदर नहीं मिलती। उसके बाद जो हमारी प्राइवेसी फीचर हमें इस डिवाइस के अंदर मिलता है ऑल्ट जी लाइव का, मतलब आपने अपना फोन अगर किसी और के हाथ में भी देना हो तो आपका जो भी प्राइवेट इमेजेस हो, फाइल्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वो आप अपने एक प्राइवेट स्पेस में रख सकते हैं, जो कि और किसी के हाथ में नहीं आएंगे, चाहे कोई आपका फोन यूज करे। तो इस चीज के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं ऑल्ट जी लाइव के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो दे दूंगी। और ये जो हमारा डिवाइस है, इसके बाकी के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो हमें सबसे पहले मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, बहुत ही ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले, जो कि मजेदार लगेगा आपको मूवीज वीडियोस देखने में। 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, जो कि हमारा पंच होल डिजाइन में। और इसके साथ प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा पुराना और छोटा प्रोसेसर मिलता है सैमसंग एक्सिनोस 9611 का, लेकिन वन यूआई 2 का इंटरफेस आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको
ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी मिल जाती है, तो आप अपनी डे टू डे वर्किंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेमिंग भी आप इसमें आराम से कर सकते हैं। इसके साथ हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है और उसके साथ 15 W का फास्ट चार्जर मिलता है। नॉर्मल यूजेज में वन डे डिवाइस आपका ये आराम से निकल ही जाता है। इसके साथ अगर हम बात करें डिवाइस के कैमरास के बारे में, तो हमें बैक में मिलता है 48+12+5+5 का क्वाड कैमरा सेटअप और 32 MP का सेल्फी कैमरा, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं। आपको वाइड एंगल मिलता है, आप मैक्रो में काफी कमाल के शॉट ले सकते हैं, आपको इसके अंदर बुके मोड में इफेक्ट चेंज करने की ऑप्शन मिलती है पिक लेने के बाद भी। ये फीचर हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरास में आता है और इवन सेल्फी कैमरा की पिक्स जो है हमारी 32 MP वो भी काफी अच्छी डिटेलिंग और कंट्रास्ट के साथ हमें मिलती है। ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा भी हमारे इस डिवाइस का काफी सही है। इसके अलावा इस डिवाइस की एक और कमी की अगर मैं बात करूं तो वो है इसकी प्लास्टिक बॉडी। हमें इसके अंदर पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है और मेरे हिसाब से कवर लगा के रखें ताकि स्क्रैचेस ना आए आपके डिवाइस के ऊपर। वैसे डिवाइस जो है प्रिज्म कट में काफी स्टाइलिश लगता है देखने में और स्लिम डिवाइस है, आप इजिली इसको होल्ड करके यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा डिवाइस है ये आपको 23,000 रुपए के प्राइस पे मिल जाएगा। आप इसकी सारी टेस्टिंग देख सकते हैं मेरे टेस्टिंग चैनल्स पे। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। अब इसके बाद नंबर 3 पोजीशन पर आता है हमारे पास सैमसंग की तरफ से एक बैटरी चैम, जिसके अंदर हमें मिलती है अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी, 7000 mAh की बड़ी बैटरी। मतलब पूरा दिन डिवाइस को जो मर्जी आप करो, जितनी मर्जी आप वीडियोस देखो, जितनी मर्जी गेमिंग करो, आपका डिवाइस एक दिन में तो खत्म नहीं होगा। डिवाइस है हमारा सैमसंग का M51। बैटरी बैकअप तो बहुत ही धांसू है डिवाइस का। इसके साथ आपको 25 W की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है और इस डिवाइस को आप एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हैं अपने बाकी के डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। तो बैटरी चैंप तो ये हमारा है ही। इसके अलावा आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, जो कि हमारा गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर है। उसके साथ आपको 6.7 इंच का बिग डिस्प्ले मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि हमारा फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ ब्राइट कलरफुल लगेगा डिस्प्ले। मतलब बड़ी बैटरी के साथ अच्छा डिस्प्ले अगर आपको मिल रहा है तो आप जितना मर्जी यूज करो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ अगर हम कैमरास की बात करें तो वहां पे भी आपको बढ़िया लगेगा डिवाइस। हमें मिलता है 64 MP का मेन कैमरा बैक में, जिसके अंदर आपको IMX682 का कस्टम सेंसर मिलता है और 12 का हमें वाइड एंगल मिलता है, 5 का मैक्रो, 5 का डेप्थ और उसके साथ 32 MP का सेल्फी कैमरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट मैंने शॉट लिए हैं जिनके अंदर आपको डिटेलिंग अच्छी मिल रही है, काफी नेचुरल पिक्स आती हैं हमारी। इसके अलावा इस डिवाइस की अगर हम कमी की बात करें तो हमें इसके अंदर मिलती है प्लास्टिक बॉडी, पॉलीकार्बोनेट बॉडी जो कि है हमारी, और आपको डिवाइस वैसे हाथ में होल्ड करने में सॉलिड लगेगा। एक हाथ से आप इसको होल्ड करके यूज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको बचा के रखना पड़ेगा कि स्क्रैचेस ना आए, क्योंकि स्क्रैचेस जल्दी आते हैं प्लास्टिक बॉडी पे। वैसे देखा जाए ब्लू कलर में ये हमारा काफी स्टाइलिश लुक भी दे रहा है। जिन लोगों को बड़ी बैटरी वाला डिवाइस लेना है उनके लिए तो ये बढ़िया ऑप्शन है 25,000 रुपए के प्राइस में। अब इसके बाद नंबर 2 पोजीशन पर आता है हमारे पास रियलमी की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस, जो कि ये है हमारा रियलमी का X3। इस डिवाइस के अंदर आपको मिल जाता है सबसे पावरफुल चिपसेट हमारा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 855+, जिसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, चाहे आप गेमिंग में देखें, डे टू डे वर्किंग में देखें। और उसके साथ 6.57 इंच का हमें फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट हमें काफी अच्छा मिल रहा है, जिसके अंदर आपको एकदम स्क्रॉलिंग करने में मजा आएगा, हाई एंड गेमिंग में मजा आएगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो डिस्प्ले जो है हमारा वो थोड़ा डल है, मतलब कि जो हमारा Realme 6 में हमें डिस्प्ले मिल रहा था वही डल डिस्प्ले आपको मिल रहा है। नॉर्मली इंडोर में तो इसके डिस्प्ले में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन सनलाइट में अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी इसके अंदर देखने में। इसके अलावा डिवाइस के अंदर हमें वैसे 4200 mAh की बैटरी मिल जाती है, आपको 30 W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और बैटरी बैकअप वन डे का ऑलमोस्ट हमें मिल जाता है, लेकिन 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ ये डिवाइस आपका एक दिन नहीं निकाल पाएगा, आपको ऑटो सेटिंग्स पे रखना पड़ेगा और 30W की फास्ट चार्जिंग हमारे डिवाइस को फटाफट से चार्ज कर देती है। इसके अलावा डिवाइस के अगर हम कैमरास की बात करें तो 64+12+8+2 का क्वाड कैमरा सेटअप बैक में है और 16+8 का डुअल कैमरा सेटअप हमारे फ्रंट में है। सैम्पल्स आप देख सकते हैं, कैमरास अगर हम एक्चुअल में देखें तो हमारे डिवाइस के काफी अच्छे हैं, बहुत ही क्रिस्प शॉट आते हैं हमारे और
आपको इसके कैमरा के सारे मोड्स के अंदर बहुत ही अच्छे कलर्स मिलते हैं। कलर्स को हालांकि आप और बूस्ट भी कर सकते हैं, मतलब आपको ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी इसकी पिक्स के अंदर। आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी आपको इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपने बढ़िया शॉट ले सकते हैं फ्रंट एंड बैक दोनों से ही। इसके अलावा डिवाइस के अंदर हमें मिल जाती है ग्लास बॉडी और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैट लाइक फिनिश है बैक में जो कि काफी अच्छी लुक दे रही है। और प्लास्टिक फ्रेमिंग मिलती है, ये इस डिवाइस का हमारा नेगेटिव पॉइंट है एक। और वैसे होल्ड करने में आपको डिवाइस जो है वो काफी ठीक लगेगा। ओवरऑल देखा जाए तो 25,000 रुपए के प्राइस में ये डिवाइस हमारा सबसे पावरफुल डिवाइस है। अब इसके बाद नंबर फर्स्ट पोजीशन पर आता है हमारे पास Redmi की तरफ से एक कंप्लीट डिवाइस। ये जो हमारा डिवाइस है ये काफी टाइम से नंबर फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। इसके अंदर हमें सारी चीजें ओवरऑल बढ़िया मिल जाती है। डिवाइस है हमारा Redmi का K20 Pro। सबसे पहले तो डिवाइस के हम प्रोसेसर की बात करते हैं। आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 855 का प्रोसेसर जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। डे टू डे वर्किंग में तो आपको बढ़िया लगेगा ही डिवाइस। गेमिंग के लिए आपको गेम टर्बो भी मिल जाता है, आपको इसके अंदर ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम मिल जाता है तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलेगी और हीटिंग इशू भी आपको देखने को नहीं मिलता। इसके बाद आपको डिवाइस के अंदर 6.39 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है जो कि हमारा एमुलेट डिस्प्ले है और इसके डिस्प्ले के अंदर आपको कोई भी नॉच वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन पंच होल डिजाइन नहीं मिलता, ऑल डिस्प्ले मिलता है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके साथ आपको डिवाइस के अंदर मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी और उसके साथ 18 वॉट का फास्ट चार्जर। वन डे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है अगर आपकी नॉर्मल यूजेज है। साथ ही अगर हम बात करें डिवाइस के कैमरास के बारे में तो इसके अंदर हमें बैक में मिलता है 48 वाला मेन कैमरा, उसके साथ 13 का वाइड एंगल और 8 का टेलीफोटो कैमरा। उसके साथ आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि हमारा पॉपअप स्टाइल में है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं इसके कैमरा सैंपल्स तो फ्रंट एंड बैक दोनों के अंदर ही आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं, मोड्स भी मिलते हैं और आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा की पिक्स भी बढ़िया है। साथ ही हमारा जो बैक कैमरा है उसके अंदर भी पिक्स के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया कलर्स मिल रहे हैं, साथ ही काफी नेचुरल पिक्स आ रही हैं हमारी। वाइड एंगल आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, जूम भी कर सकते हैं आप पिक्स को। ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा मुझे इसका काफी ठीक लगा। इसके बाद आपको डिवाइस के अंदर ग्लास बॉडी मिल जाती है जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक देगी आपको डिवाइस को हाथ में होल्ड करने में। साथ ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। कमी निकल के ये आती है कि आपको डिवाइस के अंदर मिलता है हाइब्रिड स्लॉट। इसके अलावा ये हमारा एक कंप्लीट डिवाइस है जिसके लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। 23,000 रुपए के प्राइस में ये आपको मिल जाता है। सो गाइस ये थे हमारे इस महीने की लिस्ट 25,000 रुपए के बजट में। आगे मैं आप लोगों के लिए और बड़ी बड़ी वीडियोस लाती रहूंगी। सो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।